हेलो साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का रीजनिंग मेंटर लेकर आया हूं आप सभी के लिए नेक्स्ट शॉर्टकट। मेरे दोस्तों, आज का जो शॉर्टकट है वो है त्रिभुजों को गिनना। वी विल बी डूइंग द काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। आज हम लोग ट्राइंगल्स गिनेंगे। इसको हम लोग कई सारे पार्ट्स में करेंगे, आज पहला पार्ट है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। तो अब जरा इन दो सवालों को देखिए। यहां पर आपको काउंट करना है कितने ट्राइंगल्स हैं, हमें त्रिभुजों को जोड़ना है। तो चलिए चेक करते हैं कि यहां पर आखिर कितने ट्राइंगल्स हैं। तो अगर मैं यहां पर इस फिगर में देखूं तो मुझे जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं वो है एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितने ट्राइंगल्स दिखे हैं अभी? चार। मगर अभी और भी हैं। अब जरा ऐसे वालों को भी जोड़ लेते हैं, एक दो और तीन। तो कितने हो गए? तीन। अब जरा ऐसे वालों को भी जोड़ लेते हैं, एक और दो। और अंत में ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हो गया एक। तो इन सभी को जोड़ दिया जाए तो आएगा दस। वही इसका सही जवाब है। अब अगर इसी मेथड से मैं यहां भी करूं तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। जैसा स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिख रहा है, बस यहां पे थोड़ा बड़ा है, यहां थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो अगर 10 ट्राइंगल्स यहां पर हैं, तो इतने ही ट्राइंगल्स, 10 ट्राइंगल्स यहां भी होंगे। और इसी का कंटिन्यूएशन तो नीचे आ रहा है, यही लाइन नीचे आ रही है, यहां पर यही लाइन नीचे आ रही है। तो अगर 10 ट्राइंगल्स इतने दूरी में है, इतनी दूरी में, तो इतने ही ट्राइंगल्स यहां भी हो जाएंगे। ठीक है, इतने ट्राइंगल्स यहां भी हो जाएंगे। तो यानी टोटल ट्राइंगल्स ये 10 और प्लस ये वाले 10, ये मिलाकर हो जाएंगे 20। मगर ये जो मेथड है जो मैंने अभी किया, ये लेंथी मेथड है। अब जैसे कि अब आप इन सवालों को देखिए, अब जैसे जैसे ये पार्टीशंस, ये लाइंस बढ़ती जाएंगी, आपका काम भी बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अब जानते हैं एक शॉर्टकट जिससे हम ऐसे सवालों को तुरंत 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला केवल इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, वेयर n इज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स। n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसी लाइन है, और n क्या है? सबसे छोटे वाले ट्राइंगल्स की संख्या। तो आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। सेम वही सवाल है और फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो यहां पे सबसे जो फॉर्मूला था इसमें n क्या था? सबसे छोटे वाले ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स। तो यहां पर n की संख्या 4 पुट कर दो। अब यहां पे 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन यहां केवल एक है, तो इससे मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10। और वही इसका उत्तर था, वही इसका उत्तर था 10। अब इसी को फिर से यहां अप्लाई करो। यहां पर सबसे छोटे वाले ट्राइंगल, स्मॉलेस्ट ट्राइंगल हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 5 बाई 2। और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 20। और ये देखो तुरंत आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी 20। अब इसी को और भी आगे अप्लाई करते हैं। सेम ये फिगर, अब जरा इसको देखो, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। स्मॉलेस्ट ट्राइंगल्स यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 है, तो अब यहां पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 7 बाय 2। और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? केवल एक, केवल एक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 21। और यही आंसर यहां पर है, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21। अब इसी को और यहां पे भी अप्लाई करो। तो स्मॉलेस्ट ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6, तो फॉर्मूला में इसको अप्लाई करो क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 7 अपॉन में 2। और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने होंगे? 1 2 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 3 6 37 21 इंटू 363। और यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। है ना ये कमाल का शॉर्टकट?
तो इसी तरह के और शॉर्टकट जानने के लिए, सीखने के लिए जुड़ना ना भूले मेरे साथ एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर डेली सुबह मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।